हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का, जो हमने एक न्यू चैप्टर की शुरुआत करनी है आज दोस्तों। फ्रेश चैप्टर है, बिल्कुल नया चैप्टर है, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिकल पार्टीज। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर की शुरुआत करेंगे। पहला लेक्चर आज हम लोग देखने वाले हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों यार, आपको बता दूं इस चैप्टर की शुरुआत करने के पहले कि इसके पहले जो चैप्टर्स हो चुके हैं हमारे, वो हमने पूरा का पूरा अपलोड किया हुआ है, प्लेलिस्ट के अंदर आपको दिख जाएगा। वीडियोस में भी आप स्क्रॉल करके देख सकते हो, लेकिन आसानी ये होगा कि आप हमारे प्लेलिस्ट के सेक्शन के अंदर चले जाएं और उसमें हर स्टैंडर्ड के हिसाब से, हर सब्जेक्ट के हिसाब से हमने पूरा अपलोड करके रखा हुआ है। तो आप जाओ चेक करो, आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और जो लोग हमसे पहले से जुड़े हुए, उनको तो बताने की जरूरत नहीं, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि हम लोग डेली आपके लिए वीडियोस अपलोड करते हैं। साइंस एंड मैथ्स पूरा पहले से ही अपलोड हो चुका है दोस्तों, पूरा चैप्टर कंप्लीटेड है, पूरा सिलेबस कंप्लीटेड है। सोशल स्टडीज लगभग 50% हो गया है, बाकी 50% हम लोग रेगुलर बना रहे हैं, आपके लिए अपलोड हो जाएगा। इंग्लिश ग्रामर प्रेजेंट है पहले से ही, और क्या चाहिए दोस्तों, सब चीज तो मिल ही रहा है ना यार। 11th स्टैंडर्ड के लिए भी हम लोग वीडियोस बना रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो हर चीज मिल जाएगा। आप लोग रहो, और आने वाले टाइम में एनसीईआरटीज वगैरह भी स्टार्ट होने वाला है, सरप्राइज रहेगा वो। तो चलो, वो तो हम लोग कभी और अनाउंस करेंगे ऑफिशियली, लेकिन अभी चीजें जैसे चल रही चल रहे हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आपको मिलती रहेगी, ठीक है। और एक चीज आपको बताना था कि हमारे दो और चैनल है, जेआर टॉक्स और जेआर ब्लॉग्स। अगर आप जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते तो आपको पता चल जाना चाहिए कि जेआर टॉक्स पे हम करियर गाइडेंस देते हैं, क्योंकि आप 10th में हो। आपके लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ कि आपको कंफ्यूजन होगा कि आपको क्या लेना चाहिए, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, आपको क्या करियर बनाना चाहिए, तो उसके लिए बहुत सारे वीडियोस हमने बना के रखे हैं जेआर टॉक्स के ऊपर। प्लीज जाइए चेक कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। और जेआर ब्लॉग्स हमारा थोड़ा सा एक पर्सनल चैनल है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो जरूर जाके देख लेना वीडियो, और पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो, और एक और चीज, इंस्टा पे फॉलो नहीं किया अभी तक तो इंस्टा पे फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पे कुछ पर्सनल अपडेट्स या फिर कुछ चीजें हैं वहां पे हम शेयर कर देते हैं, स्टेटस डाल देते हैं, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो जरूर से फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज। बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले, नाम से ही पता चल जाना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि हम इस चैप्टर में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में प्रेजेंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल होता है, क्यों होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज, और क्या क्या अलग अलग उनके एजेंडाज होते हैं, क्या क्या उनका आइडियोलॉजीज होता है, ये सभी चीज भी इस चैप्टर के थ्रू आपको डिस्कस मिलेंगे। वन बाय वन पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई घाई हमें नहीं है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करें तो हमने बहुत सारी चीज ऑलरेडी डिस्कस कर लिए पहले के चैप्टर्स में, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, प्रीएम्बल क्या होता है, फिर इलेक्शन प्रोसीजर कैसा होता है, इलेक्शन कैसे परफॉर्म किया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होते हैं वो कैसे इलेक्शन करवाते हैं, फेयर इलेक्शन होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो क्या परफॉर्म करती है, थोड़ा बहुत आइडिया आपको जरूर से होगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की जब भी हम लोग बात करें, ये क्या होते हैं, एक नॉर्मल लिंक होते हैं, किसके किसके बीच में लिंक होते हैं, ये एक लिंक होते हैं किसी सरकार यानी गवर्नमेंट के और एक नॉर्मल पीपल के लोग यानी आम जनता जो होती है ना, उसके बीच का एक कड़ी होती है, एक लिंक होती है। एक आम जनता एक सरकार से कैसे मिल पाएगी, कैसे जुड़ पाएगी, किससे जुड़ पाएगी, एक पॉलिटिकल पार्टी से ही तो जुड़ पाएगी। तो जैसे कि हम लोग को एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, हम लोग किसी भी पार्टी को वोट करना है, तो आज के डेट में देयर आर सो मेनी पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। मेनली देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, शिवसेना पार्टी है, नेशनल कांग्रेस पार्टी है, फिर हम लोग बात करें आम आदमी पार्टी है, ऐसे बहुत सारे मेन पार्टीज है। ऐसे इसके अलावा देखा जाए तो देर आर सो मेनी अदर पार्टीज ऑल्सो, जिसके नाम भी बहुत ही ज्यादा फेमस रहे और अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो वो बात की बात है। लेकिन मैंने ये चीज जो नाम लिए वो क्यों नाम लिए, क्योंकि आपको मैं बता सकूं कि अलग अलग स्टेट में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज प्रेजेंट है, और हमें जो भी पार्टीज पसंद आती है, जो पार्टी के काम करने का तरीका, आइडियोलॉजी, उनका माइंडसेट पसंद आता है, हम उस पार्टी को वोट करते हैं जाके, और वोट करेंगे जिस पार्टी को ज्यादा वोट मिलेगा, बहुमत साबित होगा, उस पार्टी वो अपना क्या बनेगी, सरकार बनेगी, गवर्नमेंट बनाएगी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो इस प्रकार से चीजें जो है वो धीरे धीरे होती है, और पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे हर डेमोक्रेटिक स्टेट्स में, हर डेमोक्रेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होती है। कुछ पॉलिटिकल पार्टी ऐसे होती है जो इंडिपेंडेंटली होती है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी ऐसी होती है जो कंबाइन करके इलेक्शंस लड़ते हैं। और नॉर्मली स्कूल में भी हमने बहुत सारी चीजें सीखी हुई है, जैसे कि हम लोग कभी कभी ग्रुप बना लेते हैं अपना, ठीक है ना, उसी प्रकार यहाँ पे ये सब चीजें होती है, ऑर्गेनाइजेशंस होती है, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना अपना ऑब्जेक्टिव होता है, अपना एक मुद्दा होता है, एक आइडियोलॉजी होती है, और ये सभी चीज फॉलो किया जाता है। अगर बात करें यहाँ पे हर पॉलिटिकल पार्टी में कुछ ना कुछ एक्टिव मेंबर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से काम करते हैं, वो जो भी इंस्टीट्यूशन का आइडियोलॉजी होगा उसको परफॉर्म किया जाता है, उसको यहाँ पे लोगों को समझाया जाता है, लोग को जब समझ में आ जाता है तो उस पॉलिटिकल पार्टीज को वो वोट करते हैं। और हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक अपना अपना फंडा भी होता है, एजेंडा भी होता है। कुछ पॉलिटिकल पार्टी ऐसी होती है जो नॉर्मली डेवलपमेंट के लिए काम करती है, कुछ पार्टीज ऐसे होती है जो किसी और चीज के लिए काम करती है, तो ऐसे हर एक का एक अपना अपना एक गोल होता है, एक डिफरेंस होता है गोल्स में।
कोई पार्टी कुछ, कोई पार्टी कुछ, अलग अलग पार्टीज का अलग अलग गोल्स होते हैं। और बैकग्राउंड के तौर पे बात करें और पीपल जो आम जनता होती है वो क्या देखती है कि हमारा किस पार्टी को वोट देने से हमारा फायदा है, आम जनता का फायदा है, और लॉन्ग टर्म देखा जाए तो उसके हिसाब से क्या फायदा है, शॉर्ट टर्म अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से क्या फायदा है। तो ये सभी चीज डिस्कस जब होती है, गवर्नमेंट जब करती है और ये आम जनता जब सुनती है, तो उसके हिसाब से वोट्स दिए जाते हैं और ये सब चीजें परफॉर्म होती है। और पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है ये क्या होता है, इट इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ पीपल। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं, एक नॉर्मल इंसान ही तो होते हैं, बट उनका एक ग्रुप होता है और उसमें अलग अलग पोस्टिंग उनको दी जाती है। कोई हेड होता है, कोई लाइक प्रेसिडेंट होता है, कोई वाइस प्रेसिडेंट होता है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटिकल पार्टीज की, कोई अध्यक्ष होता है ना ऐसा। तो ये सभी चीजें उसमें होती है और उसी के हिसाब से जो भी बहुमत साबित होने के बाद, आपस में डिस्कशन करने के बाद, किसी एक के हाथ में मेन पावर होता है एंड ये सब चीजें परफॉर्म हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। तो सबसे पहला है दोस्तों, टू बी इन पावर, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी को पावर में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, टू बी इन पावर। तो पावर में रहने के लिए ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज ले लो, वो सिर्फ टाइम पास के लिए इलेक्शन लड़ती है क्या, नहीं। हर पॉलिटिकल पार्टी का एक सपना होता है, एक मेन गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि वो सत्ता में आए, यानी पावर में आए। पावर में आना मतलब सत्ता में आना, यानी कि इन शॉर्ट इलेक्शन को जीतना। तो इलेक्शन को जीतने के लिए वो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे आइडियोलॉजीज बताते हैं, रैलीज करते हैं, पब्लिक को इन्फ्लुएंस करते हैं, कुछ सही रास्ते से करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गलत रास्ते से करते हैं, ये तो फैक्ट है, हम सब जानते हैं इंडिया में, ठीक है ना, किस प्रकार पैसे देके या फिर कुछ ले दे के काम होता है और वोट लिए जाते हैं, ये तो सब जानते हैं, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। हर एक का अपना अपना अलग अलग रहता है, लेकिन मेन चीज यही रहता है कि किस प्रकार पावर अपने हाथ में आए, ठीक है ना, लेकिन कोई गलत रास्ते से ना आए। मतलब ये जो जो मैंने बोला वो तो चलो नॉर्मल सा चीज है, वो हमारे इंडिया में होता रहता है, लेकिन कोई डिफरेंट तरीके से, यानी कि चीटिंग करके या फिर कुछ ऐसे तरीके से ना पॉलिटिकल पावर हाथ में आए। तो ये सभी चीज देखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के हाथ में होता ही है, लेकिन मेन पॉलिटिकल पार्टी का जो मेन मकसद होता है पावर में आना होता है, और इलेक्शन करके एक प्रॉपर कॉम्पिटिशन के थ्रू, फेयर इलेक्शन के थ्रू वो पावर में आए, इस प्रकार से सबका गोल रहता है। अब यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज का दूसरा भी मेन मोटो हो जाता है कि उनका एक खुद का एक एजेंडा होता है, ठीक है ना, एजेंडा यानी कि एक तरीके से आइडियोलॉजी होता है। तो क्या है आइडियोलॉजी, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, टू परस्यू एन आइडियोलॉजी, टू परस्यू एन आइडियोलॉजी। तो देखो आइडियोलॉजी की अगर हिसाब से हम लोग बात करें यहाँ पे, तो हर पॉलिटिकल पार्टी का एक अपना अपना सोचने का तरीका होता है, क्योंकि जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज को जो क्रिएट जिसने किया है, उन्होंने कुछ सोच समझ के क्रिएट किया होगा। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो किसी पहले अदर पॉलिटिकल पार्टीज में थे, ठीक है ना, समझ लो कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो पहले किसी में थे, लेकिन बाद में उनको उस पॉलिटिकल पार्टी का जो एजेंडा था, जो आइडियोलॉजी था, वो पसंद नहीं आया, तो वो किसी और पार्टी में चले गए, ठीक है। हो सकता है वो उसमें से, उसमें से निकल के किसी और पार्टी में आ गए, तो वो टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगा कि 100% पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं वो सिर्फ एक ही पार्टी में चिपके हुए रहते हैं। हो सकता है कभी एक पार्टी में है, उनको ऐसा लगा कि ये पार्टी में मैं जाऊंगा तो मेरा फायदा हो जाएगा, तो वो दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। किसी को ऐसा लगता है कि ये पार्टी में मेरा इज्जत नहीं हो रहा है, तो वो दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। किसी को ऐसा लगता है कि ये पार्टी में जो मेरा थॉट प्रोसेस है, जो मेरा सोचने का तरीका है, इस पार्टी का बिल्कुल अलग है, तो मैं इस पार्टी में नहीं रहूंगा, मैं किसी और पार्टी में चले जाऊंगा। इस हिसाब से जो आइडियोलॉजी है वो चेंज भी होता रहता है, और हर एक पार्टी का एक पर्टिकुलर स्टैंड होता है कुछ सोशल इशू पे, नॉर्मल जनता के लिए सोचने के लिए कुछ एक आइडियोलॉजी होता है उनका, एक सोशल इश्यू पे रहता है, और हर पीपल जो है इस पॉलिटिकल पार्टी को उसी हिसाब से देखता है। जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी है एक्स नाम का, ठीक है ना, कोई एक्स नाम का पॉलिटिकल पार्टी है, इसका सोचने का तरीका है कि मैं वो, उनका बोलने का तरीका ये है, उनका आइडियोलॉजी ये है कि हम जो है हिंदुओं के लिए काम करेंगे सिर्फ, ठीक है ना, तो हिंदू का वोट जो है वो सबसे ज्यादा इस पार्टी को मिलेगा। कोई पार्टी बोलेगा कि हम मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा काम करेंगे, तो हो सकता है इस पार्टी को मुसलमानों का बहुत ज्यादा वोट मिल जाए। कोई तीसरा पार्टी है जेड नाम का, वो बोलेगा कि हम सब लोगों की भलाई के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, ऑल के बारे में बात करेंगे, तो इसको हो सकता है ज्यादा वोट मिल जाए। तो हर एक का एक अपना अपना होता है, लेकिन जो जैसा मैंने बताया रिलीजन के नाम पे ऐसा कुछ होता नहीं है, ये बोलने का एक तरीका है बस, इसको आप सीरियसली मत लेना कि वाकई में ऐसा हिंदू मुस्लिम होता होगा, लेकिन बहुत रेयरली होता है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि 100% नहीं होता है, 90% भी नहीं होता है, लेकिन कुछ परसेंट होता है। ऑब्वियसली आप सब जानते हो थोड़ा बहुत तो कास्ट एंड रिलीजन का हमारे देश में चलता ही है, आज भी कहीं ना कहीं इसके नाम पे भी वोट्स मांगे जाते हैं, तो ये सभी चीज कॉमन सी बात है। लेकिन हर एक का क्या होता है, एक आइडियोलॉजी होता है, और वही उसका एक मूल्य बेस होता है, मेन जो होता है एक बेस होता है पॉलिटिकल पार्टी का। और मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी भी बहुत सारी पार्टीज की होती है कि हम डेवलपमेंट करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर लाएंगे, स्कूल्स कॉलेज डेवलप करेंगे, तो ऐसे भी बहुत सारी पार्टीज है जो बोलती है कि हम ये सब चीज के ऊपर हमको मतलब नहीं है, हमको आपका रिलीजन क्या इससे मतलब नहीं है, हमको बस ये देखना है कि हम किस प्रकार डेवलपमेंट करेंगे, हमारे देश को कैसे आगे लेके जाएंगे, तो ऐसे पार्टीज भी होते हैं, हो सकते हैं ना, तो उनके ऊपर वोट ज्यादा मिल सकता है। तो ऐसे ऐसे चीजें होती हैं। फिर हर पार्टी का एक एजेंडा भी होता है, ये तो आइडियोलॉजी हो गया मतलब कैसा सोचते हैं वो लोग, और कुछ होता है एजेंडा। एजेंडा क्या है, टू हैव ए पार्टी एजेंडा। तीसरा
टू हैव ए पार्टी एजेंडा। तो एजेंडा क्या है, पार्टी का एजेंडा क्या रहता है? तो ऐसे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं दोस्तों, हर एक का क्या होता है, पार्टी का एक एजेंडा होता है। नॉर्मली उनका जो आइडियोलॉजी है उसी को हम लोग एक तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मेरा ये एजेंडा है, मतलब फाइनल गोल मेरा ये है। तो इस हिसाब से यहाँ पे पॉलिटिकल पावर जो है वो मिलता है। जैसे कि पॉलिटिकल पावर मेरे को मिल गया तो मैं मेरा एजेंडा जो है वो प्रस्तुत करूंगा, लोगों के सामने बताऊंगा और उसके हिसाब से काम करूंगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो होते हैं, पॉलिटिकल पावर नहीं भी मिलती है तो पॉलिटिकल पावर जो है वो कुछ लोगों के सपोर्ट के वजह से अपना जो एजेंडा है वो फुलफिल करते हैं, यानी कि क्या उनका करने का मेन पर्पस था वो ये परफॉर्म करते हैं। फिर फोर्थ की अगर बात करें, टू एस्टैब्लिश द गवर्नमेंट, क्योंकि देखो मेन तो यही है, पावर में आने के बाद अगर आप सत्ता नहीं बना पा रहे, ठीक है ना, टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नहीं बना पा रहे तो आपके सत्ता का यानी पावर का कुछ फॉर्म नहीं है। तो मेन तो जो सबसे बड़ा मकसद होता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का वो होता है इलेक्शन जीतना और गवर्नमेंट को बनाना, क्योंकि सरकार जब बनेगी तो तभी तो सरकार चलेगी और तभी तो जाके पॉलिटिकल पार्टीज जो होंगे उसको बेनिफिट होगा या फिर वो लोगों के लिए या फिर देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो ये जो मेन है गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है उनके लिए, और गवर्नमेंट को चलाना, देश की गवर्नमेंट को चलाना ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हर पॉलिटिकल पार्टी के मन में। तो पॉलिटिकल पार्टी जब जीतती है मेजोरिटी के साथ, इलेक्शन में जीत जाती है पूर्ण बहुमत के साथ, तो उनको मौका दिया जाता है कि वो अपना गवर्नमेंट बना सके। अगर वो ऐसा नहीं कर पाती है तो अपोजिशन पार्टी वाले अपना गवर्नमेंट बना सकते हैं विद कंबाइनिंग विद सम अदर पार्टीज, तो ऐसा वो कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग गठबंधन की सरकार भी बोलते हैं। तो ये सब चीजें हो गया टू फॉर्म ए गवर्नमेंट। अगला अगर बात करें, टू एक्ट एज ए लिंक बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट, ठीक है, टू एक्ट एज लिंक बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनका एक मेन गोल ये भी होना चाहिए पावर में आने के बाद कि यार आप एक लिंक प्रोवाइड करो। लिंक मतलब क्या होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट और पीपल, आम जनता और गवर्नमेंट को जोड़ के रखने वाली काम करनी चाहिए। तो हम अपना दुख दर्द किसको बताएंगे, हम अपना अपील किसको करेंगे कि हमें ये चाहिए सर, आप सरकार लोग हमारे आम जनता के लिए ये करना चाहिए। तो हम जब अपील करेंगे तभी तो सरकार को पता चलेगा ना, सरकार क्या होती है, सोचती है, लेकिन वो पब्लिक के बोलने के बाद ही सोचती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करना चाहिए, एक लिंक के जैसा काम करना चाहिए किसके किसके बीच में, नॉर्मल इंसान के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, ताकि जो भी डिमांड हो आम जनता का, जो भी डिमांड है कि आप ऐसा करो वैसा करो, वो गवर्नमेंट तक पहुंचे तो वो कौन करवाएगा यार, पॉलिटिकल पार्टीज करवाएगी ना। तो पॉलिटिकल पार्टीज के जो कार्यकर्ता होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो सब चीज तक बात पहुंचे, एमएलए वगैरह होते हैं, तो वो पार्लियामेंट में मुद्दा उठेगा, उसके ऊपर रूल्स बनाए जाएंगे, कानून बनाए जाएंगे, कुछ सुविधा प्रोवाइड की जाएगी आम जनता को। तो ये सभी चीज गवर्नमेंट के हाथ में तभी आ जाएगी, और गवर्नमेंट जो होती है वो सपोर्ट भी लेना चाहेगी, क्योंकि देखो गवर्नमेंट 5 साल तक होती है, हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है। तो अगर गवर्नमेंट पीपल के लिए कुछ काम करेगा, यानी जब सरकार हमारे लिए कुछ काम करेगा तभी तो हम अगले बार उनको वोट करेंगे ना। अगर उन्होंने 5 साल की, समझ लो कोई एक्स नाम की गवर्नमेंट अभी चल रही है, अभी इसका टाइम खत्म होने वाला है 5 साल का, तो फिर से वोटिंग जब होगा, तो अगर ये एक्स गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ भी अच्छा काम नहीं किया, हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि ये गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, तो हम अगली बार इसको वोट नहीं करेंगे, हम अगली बार वाई को वोट करेंगे। क्यों रिस्क लेना, हम लोग सोचे कि एक्स को इस बार वोट दिया, इस बार उन्होंने अच्छा बिल्कुल काम नहीं किया, हम क्या करते हैं वाई को वोट देते हैं, ठीक है, तो वाई को वोट देके देखेंगे, उसको भी मौका दिया जाए। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट को पता होता है कि हमारे लिए आम जनता कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, लोकतंत्र है, हमारे में लोग है तभी तो राजा है ना, गवर्नमेंट है तभी है। तो लोग जो है वोटिंग करेंगे तभी गवर्नमेंट को वोट्स मिलेंगे, तभी इलेक्शन जीतेंगे मेजोरिटी के साथ, तभी वो अपना सरकार बनाएंगे फिर से। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को पता है कि पीपल के वेलफेयर के लिए भी काम करना इंपॉर्टेंट है, तो वो सब चीजें परफॉर्म करना और पॉलिसीज लाना, प्रोग्राम्स लाना पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू, ये सभी काम जो किसका होता है, पीपल और गवर्नमेंट के बीच में लिंक करवाने का काम भी इन्हीं का होता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यार ये भी चीज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यही था हमारा एक तरीके से बोल सकते हो पहला लेक्चर, जिसमें हमने आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बताया, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में क्या होते हैं और उसके बहुत सारे काम के बारे में कि किस प्रकार वो काम करते हैं पावर में आने के बाद। क्लियर? ओके, तो बस दोस्तों आज का वीडियो फिर इसी के साथ मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि आज का लेक्चर छोटा ही रखना चाहता हूं, ज्यादा बड़ा नहीं, और अगला लेक्चर फटाफट से लेकर आ जाऊंगा, लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करने हैं आपके लिए, और आगे ऐसी आपको बहुत सारी चीज हम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।